हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप कि आप अच्छे से कर रहे हैं, है ना। सो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एज फार एज द स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो ट्राइंगल्स हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पहली बार हम लोगों को ट्राइंगल्स के बारे में पता चलता है जब हम लोग लोअर क्लासेस में रहते हैं शेप्स के अंदर में, ठीक है। नहीं है ना, आपको पता करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स में एक ऐसा भी आता है ट्राइंगल्स है। तो हम लोग उसको आज पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में, क्या ट्राइंगल होता कैसा है। छोटे बच्चों के परस्पेक्टिव हम लोग बताते थे कि दो लाइन सेगमेंट जहाँ पर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं, है ना। दो लाइन सेगमेंट जब मिलता है क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब एक और लाइन सेगमेंट दोनों लाइन सेगमेंट को जब टच करता है ना तो क्या कहते हैं उसको, ये भी वर्टेक्स ही कहलाता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइंगल्स कहते हैं। ट्राइंगल्स का मतलब होता है जिसमें कि तीन एंगल हो, ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स दैट मीन्स यू हैव यू नो दैट राइट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स होता क्या है, ओके। ट्राइंगल्स के बारे में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बताया गया है ट्राइंगल्स के बारे में। पहला ख्याल है कि ट्राइंगल्स को हम कैसे पता करेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली ट्राइंगल्स हैव बीन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ओके। पहला क्या है वो पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ओके। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, हम बार बार अगर ट्राइंगल्स से लिख करके हम ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम एंगल्स नहीं लिख करके हम लोग ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं विच रिप्रेजेंट द एंगल्स। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के अंदर में जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर राइट एंगल होता है तो कंप्लीट एंगल भी होगा, कंप्लीट एंगल होगा तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट होगा, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट होगा तो फिर हमारा 180 डिग्री का, इस सब चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है हमें। हमको अभी हम क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल्स तीन टाइप के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहला हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है कि एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात क्या है, जब भी हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो बेस पॉइंट हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं बच्चा, 90 डिग्री लेते हैं। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि हम लोग राइट एंगल से हम लोग समझते हैं। अगर लैंग्वेज पे हिंदू भाषा अगर आप समझना चाहते हो तो समझो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये जो परपेंडिकुलर है अगर इंक्लाइंड होता है आपके राइट हैंड साइड की तरफ में, देखिए एंगल का जो मेजरमेंट है वो कम होता चला जाता है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 90 डिग्री। और उसी लेस देन 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। समझ में आया आपको, चलो कोई बात नहीं। मूविंग नेक्स्ट, और भी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे एंगल्स के, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है बच्चा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ मेजरमेंट दिखा रहा है अभी मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको, इसको बोलेंगे हम लोग कि इफ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री सच एन एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल के बारे में आपको पता ही है कि एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल, ठीक है। ये ऊपर से मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ, अक्यूट एंगल के बारे में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि एक एंगल के अंदर में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर में कितने अक्यूट एंगल हो सकते हैं, या एक एंगल के अंदर में कितने राइट एंगल हो सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई तीन है तो तीनों के तीनों ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, जैसे कि मान लो कि तीनों का तीनों एंगल हो जाएगा 100 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, हम लोग इसको देखेंगे, इस पर हम थोड़ा सा प्रूफ पार्ट करके देखेंगे कि क्या 100 डिग्री हो सकता है क्या। राइट एंगल पे क्या देखेंगे, दो एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या ट्राइंगल में, या लेस देन 90 डिग्री मतलब 80 डिग्री हम लोग कर सकते हैं क्या, तीनों एंगल 80 डिग्री में लेकर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो हम पढ़ेंगे, तो अभी हमने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल हैज बीन क्लासिफाइड इन अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। नेक्स्ट हमारा डिविजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल कितने साइड से बना हुआ है,
तीन साइड से बना हुआ है, तीन साइड से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर पहला हमारा बच्चा है स्कैलिन मोड। स्कैलिन का मतलब होता है कि अगर आपके जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल है तीनों अपने आप में बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्या, और इसको डिस्क्राइब करेंगे हम आपको जस्ट अभी ब्रीफ दे रहे हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, इसका मतलब कि तीनों साइड जब अगर बराबर नहीं है, when that means when the measurement of all the sides are not equal to one another, such triangles are called as Scalene triangle. Got it? Next is isosceles triangle. देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे isosceles, मैंने डिवाइड कर दिया। isosceles का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब बोला है कि अगर कोई दो साइड अगर बराबर हो, अगर कोई दो साइड अगर कोई बराबर हो तो उस तरह के ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरा हमारा है इक्वी इलेक्ट्रल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बच्चा, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर, सच ट्राइंगल्स आर कॉल्ड एज इक्वी इलेक्ट्रल। तो ब्रीफ करेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हम क्या क्या समझे हैं ट्राइंगल्स के अंदर में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, acute obtuse and right. दूसरा हमारा पढ़ा इसके नेक्स्ट में हमने बेसिस ऑफ साइड्स, स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। होप आपने एंजॉय करा होगा।